और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई में कोरोना का असर, सरकारी दफ्तरों में घटी कर्मियों की भीड़, सिडको में लगा ताला। नवी मुंबई में कोरोना के 54 संशयितों का पता चला है, इसलिए मनपा प्रशासन बेहद चौकन्ना है। नागरिकों से सावधानियां बरतने और भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाने की अपील की जा रही है। सार्वजनिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों को आंशिक तौर पर बंद रखने का निर्देश दिया गया है। नवी मुंबई में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, आइए दिखाते हैं। बेलापुर का यह सिडको मुख्यालय है, जहां हर दिन हजारों लोगों की भीड़ होती है, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस कार्यालय को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हालांकि नवी मुंबई मनपा मुख्यालय और मिनी मंत्रालय कोकण भवन तथा पुलिस हेडक्वार्टर खुले रहे, लेकिन यहां सिर्फ उन लोगों को एंट्री दी गई जो अर्जेंट कार्यों के लिए आए। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 49 पहुंच गई है, जिसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है। इन आंकड़ों को रोकने के लिए सरकार ने कई सख्त कदम भी उठाए हैं, जिसका असर नवी मुंबई में भी देखने को मिल रहा है, जहां नवी मुंबई महानगर पालिका और कोकण भवन में सिर्फ जरूरी काम किए जा रहे हैं, वहीं सिडको को बंद कर दिया गया है। सरकार ने लोगों से भीड़ कम करने का भी आह्वान किया है। कैमरा पर्सन प्रकाश धूपे के साथ अंजलि चौबे, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।